वृंदावन हरिलाल की जय। श्री राधा गिरधारी देव जी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा जन्म महोत्सव की जय। श्री नताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोप्यासो यस्यास्ति कपलगलतम वाक्मय ममतम जगत पिबति विश्वजल विसृज बिजलपाप सर्प नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च आजानलब्धितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपरारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगी पुरुषां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनिशोणमुपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तपो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च उपपत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयालुरूप हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुतु मंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनामि च पुराण पठनम यत्रो तत् सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय। श्री किशोरी जी के जन्म महोत्सव की इस आनंदमयी श्रृंखला में महोत्सव श्रृंखला में जैसा अभी आदेश हुआ है
थोड़ा सा श्री राधा तत्व के ऊपर विचार करेंगे, फिर श्री विदग्ध माधव का वो परम दिव्याति दिव्य जो स्वरूप है वो तो चल ही रहा है, बीच बीच में व्यवधान आ जाता है। कल तो मैं आने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार ही था, फोन किया तो यहाँ से पता लगा कि यहाँ संकीर्तन हो रहा है और वो श्री राधा जन्माष्टमी कीर्तन है, इसलिए आज कथा नहीं होगी। तो फिर रुक गया। श्री किशोर जी की बड़ी कृपालु है और उस अपनी जो महिमा उसको हृदय में स्फुरित करें, उनकी महिमा का गायन करके अपनी मन वाणी और शरीर सबको पालन करते हुए हम पे विराजमान। संपूर्ण शास्त्रों का परम सार श्री राधा नाम, श्री राधा तत्व, शास्त्र का परम सार दुख की दुर्वृत्ति नहीं है, शास्त्र का परम सार है सुख की प्राप्ति। जीवन के पुरुषार्थ रूप में जो लोग केवल दुख की निवृत्ति मात्र मानते हैं वो कहीं अधूरा प्रयोजन है, हम जो हैं उससे भी अधिक कोई सुख को प्राप्त करें, ये ही वास्तव में जीवन का प्रयोजन हो सकता है। जीव सच्चित आनंद है, परंतु सच्चित आनंद में भी प्रभु सच्चित आनंद को वह प्राप्त करे। आनंद यदि कहीं किसी इच्छा से युक्त होकर के विराजमान है या उसमें थोड़ा स्वार्थ है तो स्वार्थ होने पर वह आनंद भी सीमित हो जाएगा, वह प्रभु नहीं रहेगा। परंतु जो जो स्वार्थ से सर्वदा मुक्ति होगी, स्वार्थ से इस सुख का मैं उपयोग करूं इस भाव से जब मुक्ति होगी तो आनंद का विभू रूप सामने आएगा और वो आनंद का विभुतम रूप कहीं साक्षात रूप से प्रकट होता है तो वो शब्द है श्री राधा, जहां निज सुख का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है, यहां तक कि भोग की इच्छा ही नहीं मोक्ष की इच्छा भी जहां पर पूर्ण हो जाए, ऐसा जो परम सुखमय निरुपाधि स्वरूप है वो निरुपाध स्वरूप श्री वृंदावन बिहारी ही हो सकते, वही परम तत्व कहलाते हैं। तत्व का तात्पर्य है जिसमें स्वजातीय विजातीय और स्वगत तीन प्रकार के भेद न हो और आनंद रूप हो। तत्व को कहने का तात्पर्य है तत्व की दो शर्तें हैं, उस वस्तु को तत्व कहा जाएगा जो वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य हो और जो नित्य आनंद रूप हो उसे तत्व कहते हैं। भोजन का भी तत्व आनंद है, अन्य जितनी भी वस्तु है उनकी भी उनका भी तत्व आनंद ही, ऐसा जो तत्व है उसको श्रीमद् भक्ति संहिता परिभाषित करती है कि बदन्ति तत्त्व तत्व व्यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयति। उस परतत्व में स्वगत भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है और सजातीय भेद भी नहीं है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ऐसी स्थिति में घोड़ा और गाय इनमें जैसा भेद है
ऐसा भेद ब्रह्म में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सम्यक व्याप्त है, इसके ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, तो उसमें विजातीय भेद नहीं होगा, उसमें स्वजातीय भेद भी नहीं होगा। जैसे गाय गाय में भेद है, ऐसे ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म होता तो ब्रह्म की जाति होती, परंतु ब्रह्म तो एक है, अखंड है, इसलिए ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं हो सकता, ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म जैसी दूसरी गाय, गाय जैसी दूसरी गाय नहीं है, इसके सजातीय भेद नहीं है। गाय से भिन्न जैसे अश्व घोड़ा होना चाहिए, कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए तो उसको विजाति कहेंगे, परंतु ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, इसलिए उसमें विजातीय भेद भी नहीं हो सकता है। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं हो सकता है। स्वगत भेद का तात्पर्य है कि जैसा कोई पेड़ है और उस पेड़ में जड़ है, तना है, पत्ती है, उनमें आपस आपस में भेद है, पत्ती अलग चीज है, डाली अलग चीज है, जड़ अलग चीज है, इसी तरह से क्या ब्रह्म में भी स्वगत भेद है, तो तत्वतः ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है। ब्रह्म वो जो पदार्थ है वह सब तरह से उसके सभी अंग परिपूर्ण रूप से शक्तिशाली होकर के विराजमान, इसलिए किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकने में वो समर्थ है, उसके सभी अंग सभी कार्यों को कर सकने में समर्थ है, पूर्णता विराजमान। तो तत्व रूप में तो ये स्थिति है, परंतु वहां परतत्व हमारे लिए तत्व रूप में उपास्य नहीं है, हमारे लिए वह उपास्य है लीला बिहारी के रूप में। लीला बिहारी के रूप में उस परतत्व का जो आस्वादन प्राप्त हो सकता है, वह तत्व रूप में चिंतन करने पर आस्वादन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण परतत्व है, परंतु परतत्व होने पर भी श्री कृष्ण लीला बिहारी के रूप में ही भक्तों के लिए उपास्य है, वे ब्रह्म और परमात्मा रूप में, ईश्वर रूप में यदि उनकी आराधना की जाए तो उनका पूरा माधुर्य आस्वादन नहीं किया जा सकता। निसंदेह में ब्रह्म है, निसंदेह में परमात्मा है, निसंदेह में भगवान है, परंतु इतना होते हुए भी जब तक लीला बिहारी नहीं है तब तक उनके माधुर्य का पूरा आस्वादन नहीं लिया जा सकता। इसलिए अपने माधुर्य का पूर्ण प्रकाशन करने के लिए वह अद्वैय ज्ञान तत्व सर्वदा ही दो रूपों में विराजमान है, एक रूप है श्री कृष्ण और दूसरे रूप है श्री वृषभानंदिनी श्री दुकुंजेश्वरी राधा, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान है। राधिका माधुर्य देवो माधुर्य देव राधिका विभ्राजंती जनेषु, ये ऋक श्रुति में इसका कहीं गायन किया गया, ऋक श्रुति उसका वर्णन करती हुई विराजमान होती है। शास्त्र भी कहते हैं कि एकम ज्योति अभूद्वेधा राधा माधव संयेकम, जो एक ज्योति है वही दो रूपों में विराजमान हुई राधा और माधव। तो लीला करने के लिए जो सर्वदा सर्वदा लीला बिहारी के रूप में जो पहले एक थे, सदा ही एक थे, एक ही तत्व है, वे ही लीला करने के लिए दो स्वरूप होकर के विराजमान हुए। श्रीमद वृंदावन नहीं है, यह एक लीला का सरोवर है, आनंद का सरोवर है, श्रीमद वृंदावन आनंद का सरोवर है। इस आनंद सरोवर में लीला रूपी एक कमल पटुक हुआ, लीला है एक नाल, वृंदावन हो गया एक सरोवर, लीला हुई उस सरोवर में उत्पन्न होने वाली एक नाल, उस नाल में दो डालियां निकली,
एक डाली पर एक नील कमल लगा और दूसरी डाली पर पीत कमल लगा, दोनों एक होकर के विराजमान। श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ऊपर करते हैं कि एकस्मिन् एव रसपूर्ण तमे त्यगाधे एकाश संग्रहितमे तव द्वयम् वौ कस्मिंश्चिदेक सरसिः चकासदेक नानोत्थमच्युयुगलम् खलु नीलं पीतम्। जैसे कोई एक सरोवर में एक नाल उत्पन्न हुई हो, उस नाल के दो भाग हुए हो, एक हुआ आश्रय एक हुआ विषय। आश्रय तत्व का सर्वोत्तम स्वरूप कहीं प्रकट हुआ वह है श्री कृष्ण, विषय तत्व का सर्वोत्तम स्वरूप प्रकट हुआ वो हुआ कृष्ण, और जो आश्रय तत्व का सर्वोत्तम स्वरूप है वही हुए श्री पुष्पानंद जी, श्री शांत श्री किशोरी। जैसे एक नाल उसमें दो कमल, एक प्राण दो देह होकर के विराजमान, ऐसे ही वह आनंद तत्व ही प्रिया और लाल दो स्वरूप होकर के विराजमान, वो तत्व एक होकर के विराजमान दार्शनिक दृष्टि से। और इसी का श्री ब्रह्मा जी विशेष रूप से ब्रह्म संहिता में ऊपर करते हैं कि आनंद चिंतय रस प्रतिभाविता भी आनंद चिन्मय रस, आनंदमय चिन्मय होकर के रसमय होकर के जो विराजमान, आनंद मात्र चिन्मात्र सन्मात्र होकर के ये दोनों स्वरूप विराजमान प्रियालाल, ये दोनों जो कमल हैं, ये दोनों के दोनों कमल आनंद मात्र चिन्मात्र सन्मात्र होकर के विराजमान। मात्र शब्द का तात्पर्य है कि आनंद उनका स्वरूप ही है, उनका विशेषण नहीं है। मात्र शब्द कहने का तात्पर्य है कि इसको विशेषण, आनंद को भगवान का विशेषण मत मानो, आनंद को भगवान का स्वरूप मानो। ये शरीर की है एक सूक्ष्मता है जिसको साधक को सिद्धांत को समझने के लिए अपने हृदय में विराजमान करना पड़ेगा कि आनंद उसका स्वरूप है, वह उसका विशेषण नहीं है। विशेषण सजातीय वस्तु से या विजातीय वस्तु से किसी एक वस्तु को अलग करने वाला होता है, व्यावर्तक होता है। जैसे गाय कहा तो वो घोड़ा ऊंट शेर इन सबों से अलग हो जाएगी। गाय कहने पर एक ऐसा पशु जिसके गले में सासना या झालर है, ऐसे आकार वाले जो पशु है उसको गाय कहते, तो गाय कहते ही अन्य पशुओं से उसका व्यावर्तन हो जाए, तो विशेषण व्यावर्तक होता है। पर यहां पर आनंद मात्र कहा गया, इसका मतलब केवल दुख का विरोधी मात्र ये अर्थ नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है कि आनंद स्वरूप भी होकर के वह विराजमान है। मानसी किशोरी जी का श्रीअंग वह आनंद से ही बना हुआ है, आनंद रूप ही है, इसलिए आनंद चिन्मय रस मैठ प्रत्यय का प्रयोग किया गया, वह स्वरूप के अर्थ में, वह प्राचुर्य के अर्थ में किया गया, वह विकार के अर्थ में नहीं किया गया। जब हम कहते हैं सूर्य प्रकाशमय है, इसका मतलब है कि प्रकाश ही सूर्य है, घनीभूत प्रकाश ही सूर्य है, उसमें प्रकाश की अधिकता है। तो मय प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ को दिखाता है, और मय प्रत्यय कहीं जो स्वरूप है उस स्वरूप को दिखाता है, प्राचुर्य स्वरूप। ऐसे ही आनंदमय कहने का तात्पर्य है कि श्री प्रियालाल इन दोनों के स्वरूप आनंद के ही बने हुए हैं, आनंद के विकार नहीं है, आनंद की प्रचुरता है। ऐसे ही वे ज्ञानमय है, ज्ञान की उनमें प्रचुरता है और बने हुए भी ज्ञान से, ज्ञान के विकार रूप नहीं है। और जब सन्मय कहा गया तो कहने का तात्पर्य है
कि जो नित्य स्वरूप है नित्यता है वो नित्यता से युक्त होकर के ही वे विराजमान है, नित्यता के विकार नहीं है बल्कि नित्यता की प्राचुर्यता और नित्यता की जो स्वरूप होता है उसको धारण करके भगवान विराजमान। अतः भगवान के विषय में सममय चित्तमय सच्चित आनंद, सममय चित्तमय आनंदमय, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया वो मय का तात्पर्य है स्वरूप ही है। तो आनंद चित्तमय रस प्रतिभा श्री किशोरी जी और उनकी कायपी रूपा जितनी भी सखीगण है वे आनंद स्वरूपा होकर के ही विराजमान है, आनंद ही कहीं प्रकट होकर के श्री प्रिया जी के रूप में विराजमान हो गया है। आनंद चिन्मय रस परम पदम जो आनंद था वही आस्वादनी, आनंद जब आस्वादनी बन जाएगा तो हो जाएगा रस, उससे प्रतिभाविता भी जो आज प्रकट होकर के विराजमान है। प्रतिभाविता का भी का तात्पर्य है जो बनी हुई है, आनंद चिन्मय स्वरूप होकर के ही ऋषि किशोरी जी बनी हुई। शास्त्र जैसे आनंद स्वरूप ही है इसी प्रकार श्री प्रिया जी भी आनंद स्वरूप ही है। वो आनंद स्वरूपता दो रूपों में प्रकट होती है, कहीं आनंद का विषय बन करके कहीं आनंद का आश्रय बन करके। श्री किशोरी जी है आनंद के आश्रय, श्याम सुंदर है आनंद के विषय। ताम स्वरूप निजूपतया कला की श्री किशोरी जी की ही निजरूपतया कला भी जितनी भी अन्य सखीगण हैं वे भी आपकी ही स्वरूप भूता होकर के, कला माने स्वरूप भूता होकर के श्री प्रिया जी की सारी सखी और होती है। तभी श्री प्रिया जी के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई कि श्याम सुंदर क्या आप एक काल में मैं अनेक रूप धारण करूं और अनेक रूप धारण करके जब मैं विराजमान हूं उस समय आप यदि मेरा आलिंगन करें तो आप मेरे द्वारा आपकी कितनी बड़ी सेवा बनेगी। एक स्वरूप से जब मैं आपको अपना स्पर्श प्रदान करती हूं आपको कितना सुख मिलता है, यदि मैं अनेक अनेक रूप धारण कर लू और उतने स्वरूपों से एक काल में आपका आलिंगन करूं तो आपको कितना बड़ा सुख प्राप्त कर किया जा सकता है। ये सेवा करने की श्री किशोरी जी में अभिलाषा रही, यहां निस्तुक की तो अभिलाषा ही नहीं, रास में अपना सुख तो ही नहीं कहीं, यहां पर तो तत्सुख सुख है, प्यारे का सुख ही है। श्री किशोरी जी ही उस समय अनंत अनंत स्वरूप धारण करके विराजमान हुई। तो ताभि स्वरूप विजरूपतया कला भी श्री विश्वानंद ने ही स्वरूप में अनेक अनेक जो किशोरी जी के हृदय में भाव के विस्तार थे, भाव के अनेक अनेक जो रंग थे जो कलर्स थे वे रंग ही वे वृत्तियां ही अनेक अनेक गोपियों के रूप में विराजमान हो गई। श्री किशोरी जी प्यारे तू मेरा है इस भाव से सेवा करती है, पर एक भाव यह है कि प्यारे मैं तेरी हूं, यह भी तो एक भाव है। तो इस भाव को धारण करने के लिए श्री विश्वानंद ने ही श्री चंद्रावली जी बनकर के विराजमान हो गए। प्यारे मैं तो तेरा स्मरण करूंगी, मुझे अन्य अनुसंधान करना ही नहीं है कि तू किसके साथ में व्यवहार रखता है किसके साथ में व्यवहार नहीं रखता है, यह भी एक भाव है। भाव का एक रंग ये भी हो सकता है। तो उसी समय श्री किशोरी जी आप जैसे श्री भद्राजी बनकर के विराजमान हो जाए। तभी प्रियालाल क्रिया कर रहे हो उनकी सहयोगी बनकर के साथी बनकर के मैं कैसे उनकी सेवा करते हुए विराजमान हूं, तो सुरत पक्षा बनकर के श्री किशोरी जी विराजमान हो जाए। तो इस प्रकार श्री किशोरी जी चार प्रकार की यूथों का स्वरूप धारण करती हैं, चार प्रकार के भाव वाले अलग अलग जो यूथ हैं उनमें श्री विश्वानंद भी ही अलग अलग स्वरूप धारण करके विराजमान होती है। स्वपक्षा प्रतिपक्षा
तटस्थ पक्ष और स्रोत पक्ष, ये चारों स्वरूपों को धारण करके श्री प्रिया अनंत अनंत एक एक युद्ध में अनंत अनंत गोपी, शास्त्र शास्त्र गोपी, श्री किशोरी जो भी अनंत अनंत गोपी में विराजमान हुई। और जब महाराज में मंडल में श्री श्याम सुंदर किसी गोपी का स्पर्श कर रहे हैं, मानो श्री किशोरी जो ही उस गोपी के रूप में श्याम सुंदर को सुख देती हुई विराजमान हो रही है। श्री श्याम सुंदर उन गोपी को सुख दे रहे हैं और गोपी अपने स्पर्श के द्वारा श्याम सुंदर को सुख दे रही है। अब श्याम सुंदर का स्पर्श जब गोपी को प्राप्त हुआ तो कृष्ण रूप का दर्शन करके गोपी के हृदय में जो प्रेम था वो प्रेम दुगना हुआ। श्याम सुंदर का रूप जब सामने देखा तो गोपी के हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम दुगना हुआ। जब दुगना हुआ प्रेम तो गोपी का जो सौंदर्य पहले ही बहुत बड़ा था वो सौंदर्य कहीं और भी ज्यादा विस्तार को प्राप्त हुआ। अर्थात गोपी के चेहरे के ऊपर एक नई चमक आई, जो सौंदर्य था वो सौंदर्य की वृद्धि हुई, एक ग्लो आया। और कृष्ण स्पर्श को प्राप्त करके गोपी को सुख भी मिला, ऐसा हो नहीं सकता है गोपी को सुख नहीं मिले। कृष्ण का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं तो गोपी को सुख तो मिलेगा, और सुख को प्राप्त करके भी चेहरे पर एक ग्लो आया, एक चमक आई, एक सुख आया। पर तो गोपी ने उस सुख का प्रयोग अपने लिए नहीं किया, उस सुख को श्याम सुंदर के सुख को ही समर्पित कर दिया, पूरी पूरी तरह से समर्पित कर दिया। जो सुख मिला उसको भी और जो सौंदर्य की वृद्धि हुई उस सौंदर्य की वृद्धि को भी श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया। और ये जो समर्पण था, ये समर्पण शत प्रतिशत समर्पण था, पूरा पूरा समर्पण कर दिया, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। श्याम सुंदर ने भी ऐसा किया, क्योंकि श्रृंगारस की एक विशेषता है कि उसमें आश्रय विषय एक दूसरे के दोनों ही आश्रय दोनों ही विषय होते हैं। प्रिया जी का उनका दर्शन करके श्याम सुंदर आश्रय बन जाते हैं, प्रिया जी विषय बन जाती हैं। प्रिया जी की दृष्टि से देखेंगे तो प्रिया जी आश्रय बन जाएंगे, श्याम सुंदर उसके विषय बन जाएंगे, तो दोनों दोनों के आश्रय विषय हैं। श्याम सुंदर को भी परम सुख की प्राप्ति हुई, श्याम सुंदर का भी सौंदर्य बढ़ा, श्याम सुंदर ने भी अपने सुख और सौंदर्य दोनों को किशोरी जी को समर्पित किया। पर श्याम सुंदर में एक कुसंस्कार विराजमान है जिसके कारण गड़बड़ हो गई, और वो कुसंस्कार है कि वे आत्माराम पूर्णकाम है। तो उन्होंने निन्यानवे प्रतिशत अपना जो सुख था उस सुख को किशोरी जी को समर्पित किया, परंतु एक प्रतिशत सुख जो आत्माराम का पूर्ण कामता का जो अनुमान था उस अनुमान के कारण श्याम सुंदर में चिपका रह गया, उसको पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में श्री प्रिया का जो स्वरूप है वह तो हुआ 100% आश्रय स्वरूप, परंतु श्याम सुंदर का जो आश्रय स्वरूप था वो 99% ही रह गया, 1% कम रह गया। इसलिए विषय की दृष्टि से तो श्याम सुंदर हो गए 101%, परंतु आश्रय की दृष्टि से श्याम सुंदर रह गए 99%। ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर को विषय कहा जाएगा, श्याम सुंदर को आश्रय नहीं कहा जाएगा। पूर्ण आश्रय जन कोई है तो वो किशोरी जी ही है। इसकी बात को श्री चरतामृत में, चैतन्य चरतामृत में कविराज गोस्वामी कहीं निरूपण कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर जिस समय किशोरी जी का दर्शन करते हैं उस समय मोहित हो जाते हैं, और बेरु करात निपतति, उनके हाथ से बेरु गिर जाती है, मयूर मुकुट कहां गिर रहा है उसका उनको पता नहीं रहता है, कहां
कहां उनका दुपट्टा जा रहा है, कहां सखाएं हैं, कहां गैयाएं हैं, इनका उनको वे भूल जाते और वे मोहित हो जाते। परंतु प्रिया जी जिस समय श्याम सुंदर का दर्शन करती है उस समय केवल मोहित ही नहीं होती है, प्रिया बेभान हो जाती। दोनों में अंतर है, मोहित होना और बेभान होना। मोहित होने का तात्पर्य है कि 1% जो आत्माराम का पूर्ण कामता है वो कहीं चिपकी हुई रह गई। परंतु बेभान होने का तात्पर्य है कि अपने संपूर्ण निज सुख को जिन्होंने श्याम सुंदर को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इसलिए प्रिया का जो सुख है वो प्रिया का सुख परिपूर्ण रूप से श्याम सुंदर के लिए है, श्याम सुंदर का सुख भी प्रिया के लिए है। परंतु कहीं स्वाभाविक रूप में जो आत्माराम का पूर्ण कामता है उसका एक दोष रह जाता है, एक अंश रह जाता है। और गोपियों के हृदय में यही अभिलाषा होती है कि हाय श्याम सुंदर को अभी प्रीति में ये कमजोर है, प्रीति में कच्चे हैं। जैसे प्रेम की पराकाष्ठा श्री पुष्पानंदिनी में है वैसी प्रेम की पराकाष्ठा अभी इनमें पूरी नहीं आई है और इनके उस पक्के स्वरूप का हम कब दर्शन करें। इनमें आत्मनामता, आत्मकामता और अकृतज्ञता। अकृतज्ञता की कैसी गुरुद्रोह रूपी अकृतज्ञता वो इनमें भी विराजमान है। तो वो जो कमी है वो कमी फिर आगामी कलयुग में जाकर के पूरी होती है। मिटाए गौर हरि को, ये गौर स्वरूप वो श्री कृष्ण की तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, गौर स्वरूप श्री राधिका की तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला और गौर स्वरूप श्री सखियों की भी तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला। श्याम सुंदर की तीन अभिलाषा बड़ी प्रसिद्ध है कि श्री राधिका का श्री राधाया प्रेम हेमा की त्रिशोभाने स्वाद्यो ये नाम मृत मधुमा की त्रिशोभा मदीय संक्षिप चास्या मदन भवत की त्रिशो भा तब भावाद्य समझन शची गर्भ सिंधु हरिंद। श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी कि मैं स्वयं आज शिष्य बन जाता हूं, श्री राधिका मेरी शिक्षिका नृत्य शिक्षा देने वाली शिक्षिका बनकर के विराजमान होती हैं। कृष्ण भी राधिका से प्रेम की शिक्षा लेना चाहते हैं, यह राधिका की प्रेम महिमा। श्री राधिका की प्रेम महिमा वो है जिसमें श्री राधिका अपने पास से कहीं भी निज सुख का एक अंश भी नहीं रख पाती हैं,